गहलोत जी राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और छह पूरे हिंदुस्तान में जब भी हम उनको देखते हैं हमेशा एक युवा नेता के रूप में ही देखते हैं, एक ऐसा नेता जिस पर भरोसा किया जा सकता है। हमारे वरिष्ठ समीक्षक और सौंदर्य शास्त्री डॉक्टर रमेश कुलकर्णी, श्रीमती हरीश भदानी जी, श्री मोहता जी इस सभा के संचालक और अविनाश जी और हरीश भदानी जी की रचनाओं के संपादन जिन्होंने किया है, मैं तो उनके परिश्रम को देख करके खुद आश्चर्यचकित हूँ। इतना काम करते हैं, मुझे लगता है कई लोग मिल करके जो है साथ साथ कुछ धंधा चला रखा है, चार पांच लोग करते हैं, एक आदमी तो बस का काम ये नहीं है। तो ऐसे श्री अरुण माहेश्वरी जी और सर महेश कभी मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ शहर और व्यक्ति में कोई संबंध नहीं है, दिल्ली से केवल सत्ता है, व्यक्तियों का शहर के साथ कोई विशेष संबंध नहीं है। और मैं रेल यात्रा में देख रहा था बीकानेर के बारे में, तो मुझे ऐसी नौ विभूतियाँ दिखाई पड़ी जिनके नाम से बीकानेर जाना जाता है और जो बीकानेर के नाम से जानी जाती हैं, जिसमें से एक श्री हरीश भदानी। शुरू शुरू में मुझे बहुत शौक होता था कि कोई मुझे जनवादी समीक्षक कहे और लिखे निमंत्रण पत्र पर जनवादी समीक्षक करण सिंह चौहान। कवियों को भी होता ही होगा, आपने लिखा ही है जनवादी कवि श्री हरीश भदानी। लेकिन काफी दिनों से मैंने ये महसूस किया कि जब हम इस तरह का विशेषण लगा देते हैं अपने नाम के सामने या किसी के नाम के सामने भी, तो हम उसकी पाठक संख्या को पहले ही काफी कम कर लेते हैं। यानी कि जो लोग जनवाद का मतलब मार्क्सवाद, मार्क्सवाद में भी खाटी मार्क्सवाद से लगाते हैं, वो समझ लेते हैं कि अब ये कवि या ये समीक्षक या ये लेखक हमारे पढ़ने के काम का तो नहीं है। तो हालांकि कई लोग कहते हैं उम्र का प्रभाव है कि आप इस तरह की बातें अब करने लगे हैं, लेकिन अनुभव से भी कई चीज़ें सीखी जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध ही होगा कि अपने आप को सीमित करने की पाठकों की दृष्टि में पहले से कोशिश ना करें तो बेहतर है। ये कमी है, क्योंकि जनवाद का मतलब तो साफ हो गया कि इसमें ये होगा ये होगा ये होगा। जैसे कोई वक्ता कहीं आया तो सुनने से पहले मुझे मालूम होता है कि उसने आधा घंटे में क्या बोला। अब मैं क्यों सुनने जाऊं वहां, जब मुझे पहले से मालूम है कि उसने क्या बोलना है तो मैं क्यों सुनने जाऊं। तो साहित्य का सबसे बड़ा एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेडनेस, अप्रत्याशित होना। हमारे बड़े आलोचक हैं, बड़े बदनाम भी हैं और खूब नाम भी है, नाम है नामवर सिंह। 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ हमसे लगा करके तमाम बड़े बड़े दिग्गज आलोचक उनको ध्वस्त करने में लगे रहे, और अभी एक प्रसंग हुआ
कि वो भाजपा के एक कार्यक्रम में अपना 90 और 95 जन्मदिन मनाने के लिए राजनाथ सिंह जी ने उनको भेजा, वो इंदिरा गांधी क्या है उसमें, और तमाम हिंदी साहित्य ने उनकी बड़ी सख्त शब्दों में भर्सना की। कई लोगों ने तो मान लिया कि ये अब गए, अब इनको बचाने वाला कोई नहीं है। उनको शायद नहीं मालूम कि ऐसी 50 साल से हो रही भर्सनाओं के बावजूद नामवर सिंह नामवर सिंह है। 35 साल पहले उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी कविता के नए प्रतिमान, उसके बाद कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन सबसे सबसे सामयिक आलोचक अगर हिंदी में कोई माने जाते हैं तो नामवर सिंह। क्यों, ऐसी क्या बात है? अब प्रत्याशित होना, नामवर के बारे में आप पहले से नहीं बता सकते कि किसी गोष्ठी में जब भाषण करने आएंगे तो कविता का विश्लेषण किन औजारों से, किन दृष्टियों से और किस मूल्यांकन मानों से करेंगे। ये जो अप्रत्याशित होना है एक आलोचक का, एक वक्ता का, ये मेरा ख्याल है साहित्य में सबसे बड़ा गुण है। कविता आप पढ़ते हैं, कहानी आप पढ़ते हैं, उपन्यास आप पढ़ते हैं, अगर आपको पहले से सब कुछ मालूम है तो क्यों पढ़ेंगे? अब प्रत्याशित होना, इसके बाद क्या होगा? तो इसलिए मैंने एक छोटी सी बात कही कि अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, मेरा और भादानी जी के ऊपर मैं कोई बहुत मूल्यांकन खासकर बीकानेर में करने नहीं जा रहा हूँ, आप सब बेहतर जानते हैं भादानी जी के विषय। उनका मेरा संबंध बाकायदा 1982 से, जब जनवादी लेखक संघ का की स्थापना हुई तब से तो है। और दो बातें, क्योंकि संगठन बनते हैं और संगठन बिगड़ते हैं और संगठन ध्वस्त होते हैं, आगे भी बनेंगे और आगे भी ध्वस्त होंगे, इसलिए कुछ चीज़ों की तरफ संकेत करना जरूरी है। ये साहित्य का दुर्भाग्य है कि साहित्य की अपनी कोई हैसियत नहीं है, साहित्य की अपनी कोई हैसियत नहीं है, कि तमाम साहित्यकार जो अक्सर सत्ता के विरोध में होते हैं, जो अक्सर समाज के जो शोषित पीड़ित तबके हैं उनके पक्ष में होते हैं, जो मनुष्य को दर्द के दर्द को सबसे बेहतर समझते हैं, ये साहित्यकार अपना कोई संगठन नहीं बना सकते। किस चीज के लिए इनको इंतजार करना पड़ता है? राजनीतिक दल साहित्यकारों का संगठन बना दे। तो CPI के संगठन हैं, CPIM के संगठन, क्योंकि वामपंथी संगठन बनाने में सबसे तेज हो, CPI के हैं, CPM के हैं, CPML के हैं, कई संगठन हैं, कांग्रेस के भी हैं, भाजपा के भी हैं। यानी कि साहित्य का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसको मुखापेक्षी होना पड़ता है राजनीतिक दलों के, यानी कि साहित्य केवल राजनीति के इस्तेमाल की चीज इस देश में होकर रह गई। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात। रवीश साहब ने लिखा और वो उनके लिए साहित्य उपयोग की चीज, उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, महत्व नहीं है। उन्होंने लिखा, वो मांग करते हैं कि हमारे ये आंदोलन है, कविता इसमें कैसे सहायक होगी, ये करो। कविता में देश को रखी साहित्य पंक्तियाँ हैं, कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना जी, एक ही बात है। देश प्रेम लाओ, हरियाणा प्रेम लाओ, आइसक्रीम लाओ, सब एक ही बात है। कुछ लाओ जिसका हम उपयोग कर सकते, यानी कि हम आज तक इस देश में, इस देश की बात ही नहीं है, दुनिया भर की बात है,
साहित्य इस काबिल नहीं हुआ कि अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति पर, अपने विरोध पर, अपने जनता से जो नज़दीकी रिश्ते हैं उनके बल पर अपनी अहमियत, अपना अस्तित्व उसको दिखा सके और उस तरह का संगठन बना सके जिसमें राजनीति का उपयोग हो, साहित्य राजनीति के लिए उपयोग ना। तो ये मैंने बात इसलिए कही कि 1982 में लगभग यही परिस्थिति यहाँ थी राजस्थान में। आपको मैं इतिहास होने पर चीज़ें जो है काफ़ी मधुर हो जाती हैं, मधुर हो जाती है मतलब बुरी से बुरी बात भी जब इतिहास के एक कालखंड में चली जाती है तो उसका जिक्र करना उतना बुरा नहीं लगता। जैसे बैठे हैं वेद व्यास की, हम लोगों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आज जब हम मिलते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी मिठास भरी हमको याद आते। तो संगठन बना रहे थे जनवादी लेखक संघ, यहाँ शायद लोगों को मालूम नहीं होगा। तो संगठन बनाने से पहले पार्टी के नेतृत्व ने हमको कहा इस हमारी के संगठन राजस्थान में बन रहा है, राजस्थान में उस जमाने में सीपीएम में एक बड़ी फूट हो गई, एक आधा तबका अलग चला गया पार्टी से, इन इन लोगों को इस संगठन का पदाधिकारी बन घोषित कर दीजिए। हमने कहा लेकिन ये लेखक तो है ही नहीं, तो बोले कि लेखक से क्या लेना देना है, पार्टी के लोग हैं, इनको संगठन का पदाधिकारी घोषित कीजिए। हमने कहा कि हरीश भदानी के रहते हुए, ऋतुराज के रहते हुए, हेतु भारद्वाज के रहते हुए, शिवराम के रहते हुए, इतने तमाम लोगों के रहते हुए हम इनको किस मुँह से जो है पदाधिकारी घोषित करते हैं कि आप हमारी थोड़ी तो इज्जत रहने दीजिए। एक है तो संगठन में ये सब चीज़ें होती हैं। हरीश भदानी जी ने जो उस जमाने में संघर्ष किया था हम लोगों के साथ खड़े होकर के, ये हमको याद है। और जब तक ये संगठन जनवादी लेखक संगठन से वो जुड़े रहे, किस तरह के मूल्यों पर वो बने, दूसरी बात संगठन में कौन होगा। पहली ही बैठक में ये विवाद खड़ा हुआ, संगठन केवल लेखकों के लिए होगा कि पाठकों के लिए भी होगा, लेखक संगठन के सदस्य रहेंगे या पाठक भी रहेंगे, ये बड़ा मुद्दा था। पार्टी तो हमेशा चाहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोग पाठकों के रूप में संगठन में भर जाएं, उतना ही उसको नियंत्रित करने में आसानी होगी। अगर ये लेखक होंगे तो इनका कुछ ठिकाना नहीं है कब क्या करें। तो हरीश भदानी इन दोनों संघर्षों में हम लोगों के साथ थे। मैं मूल्यांकन की बात नहीं करूंगा, केवल एक छोटी छोटी दो एक बातें मुझे करनी हैं। हिंदी में कविता में तीन तरह की धाराएं चलती हैं। एक धारा तो है जो अंतर्राष्ट्रीय किस्म की है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब दुनिया में वो बीकानेर में लिखी जाए या लंदन में लिखी जाए या कहीं लिखी जाए, उसका पूरा रूप आकार सब एक ही जैसा होता है। ये कविता जो है इसको सत साहित्य कहते हैं, ये कविता की मुख्य धारा है हिंदी में। एक कविता की धारा है जिसको हम कहते हैं पॉपुलर 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 पोएट्री, का मतलब कविता जन की है लेकिन वो केवल कवियों में सीमित नहीं है, केवल लेखकों तक सीमित नहीं है, वो अपने लिए नए पाठक तलाश करना चाहते हैं। ये नए पाठक तलाश करने के लिए हमेशा बड़े संगठन की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना ये संभव नहीं है। कवि के लिए ये संभव नहीं है कि लोगों तक वो चला जाए। इसीलिए आपने देखा होगा जब जब संगठन मजबूत हुए, कविता की पॉपुलरिटी लोगों के बीच में पहुंची, हरीश भदानी तक कविता की इसी पॉपुलरिटी के कई थी। आप भी जानते हैं, मैं तो बल्कि विदेश में भी एक आध बार वो पंक्ति उनकी गाकर सुनाता था, मुझे पूरी कविता याद नहीं रहती थी, लेकिन वो क्या है वो
सुना सकते हो। ए तुम्हें नहाया है मन, ए तुम्हें नहाया है, ए तुम्हें नहाया है मन, ए तुम्हें नहाया। ये जो कविता थी मुझे पूरी याद नहीं, अपने से बना लेता। या रोटी नाम सब है, खाए से मुगत है, ऐसी कविताएं जो जन आंदोलन की कविताएं थी, ये हरीश भदानी ने। और ये कविताएं काफी फैली, लेकिन जब संगठन नहीं है उन कविताओं को समर्थन देने के लिए, तो ये कवि मैंने देखा था, रमेश रंजक हमारे कवि थे जिन्होंने बड़े गीत लिखे थे, जन गीत लिखे, शील जी थे जिन्होंने चिट्ठी आई भाई की कुछ रुपया भेजो, देश हमारी धरती अपनी हम धरती के लाल नया संसार बनाएंगे, ऐसी कविताएं प्रसिद्ध होंगे कविताएं। इस सारे के सारे कवि जन आंदोलन के अभाव में क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने आत्महत्या की। हरीश भदानी ने आत्महत्या की, शील जी ने आत्महत्या उसकी शारीरिक कवि के रूप में आत्महत्या की। इन्होंने देखा कि ये कविता जिसके वो मास्टर्स हैं, जिसमें उनको महारत हासिल है, जिस रूप में ये कविता को आगे ले जाने वाला कोई संगठन नहीं है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुहावरा जो कविता है का चल रहा है, जिसको हम कविता की मुख्य धारा के नाम से जानते हैं, उस तरफ मुखातिब हुए। और क्योंकि उसमें बहुत मास्टरी नहीं थी, इसलिए वहाँ कई बार काफी हास्यास्पद के साथ हुआ। रमेश रंजक के साथ ये हुआ। एक जमाने में धर्मराज राम के कितने 15-20 ऐसे कवियों के नाम मैं गिना सकता हूँ, जो बड़े पॉपुलर कवि थे, जिनकी कविताएं यहाँ से वहां तक सुनी जाती थी, पढ़ी जाती थी, किसी आंदोलन के अभाव में। फिर जब वो कविता की मुख्य धारा की तरफ लौटे, तो उन्होंने ऐसी हास्यास्पद कविताएं लिखी जिनको देख करके काफी आश्चर्य हुआ। हरीश भदानी अपनी स्वाभाविक गति को बहुत दिनों तक नहीं बनाए रख सके। कवि के रूप में जीवित रहना है तो कविता की मुख्य धारा पे मुखातिब होकर के जीवित रहने में उन्होंने भविष्य देखा, इसलिए ऐसी कविताएं लिखी। लेकिन उनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं हमेशा याद की जाएंगी, जो पॉपुलर कविताएं हैं वो हमेशा। एक और छोटी सी बात उनके है, मैं मंगलाचरण शुरू में होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अंत में आपको एक छोटी सी कविता, मुक्ति बहुत बड़ी कविता है, उसका छोटा सा अंश मैं आपको सुनाऊँ, जो मुझे हरीश भदानी के संदर्भ में याद आ रहा है। कविता है एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन। दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी। हम मुक्तिबोध के बारे में कहा जाता है बहुत कठिन कवि है, किसी की समझ में नहीं आने वाले हैं, कवियों तक की समझ में आने वाले नहीं है, साधारण पाठक की समझ की तो बात छोड़ दीजिए। मैं आपको उन्हीं कवि की कुछ पंक्तियां, बड़ी कविता की कुछ पंक्तियां सुना रहा हूँ, अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। दुख तुम्हें भी है, दुख मुझे भी, हम एक ढहे हुए मकान के नीचे दबे हैं, चीख निकलना भी मुश्किल है, असंभव हिलना भी, भयानक है बड़े बड़े ढेरों की पहाड़ियों नीचे दबे रहना, और महसूस करते जाना पसली की टूटी हुई हड्डी। पसली की टूटी हुई हड्डी भयंकर है, छाती पर वजनी कीलों को रखे हुए, ऊपर के जड़ी भूत दबाव से दबा हुआ, अपना स्पंद अनुभूत करते जाना, दौड़ती रुकती हुई धुकधुकी महसूस करते जाना भीषण है, भयंकर। वाह क्या तजुर्बा है, छाती में दर्द। पुराना मकान था, ढहना था, ढह गया। पुराना मकान
मकान था, गहना था, ढह गया, बुरा क्या है? बड़े बड़े लड़ाकार दमवान थंबे वे ढह गए, जड़ी भूत परतों में अवश्य हम दब गए, हम उनमें हार गए, बुरा हुआ, बहुत बुरा। क्योंकि हम बागी थे, क्योंकि हम बागी थे, आखिर बुरा क्या हुआ? बुरा ना महल था, ढहना था, ढह गया, वो चिड़िया, उसका वो घोंसला, जाने कहाँ दब गया। अंधेरे छेदों में चूहे भी मर गए, हमने तो भविष्य पहले कह रखा था कि केंचुली उतार का सांप दब जाएगा, हमने तो भविष्य पहले कह रखा था कि केंचुली उतार का सांप दब जाएगा अकस्मात, हमने तो भविष्य पहले कह रखा था, लेकिन अनसुनी की लोगों ने, वैसे चूंकि हम दब गए इसलिए तो तुम्हें भी है मुझे। ये कविता के अंश में हरीश भदानी जी की स्मृति में ही सुनाए। हमारे तमाम कवि हरीश भदानी जिनमें से एक अन्यतम उदाहरण थे, अन्यतम कवि थे। ऐसे कवि हिंदुस्तान में कितने हैं, वो सब दब गए। ऐसे प्रतिभाशाली कवि, उनकी कविता जन जन तक जाने ले जाने वाला कोई न संगठन है, न कोई दूसरी चीज है, इसलिए कविता केवल लेखकों के बीच की होकर रह गई, जो उनकी मंशा थी। तो मैं इन शब्दों के साथ हरीश भदानी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और शर्दा और अरुण जी को बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम हिंदी में किया है कि उनकी समग्र रचनाओं को हिंदी के पाठकों में प्रसारण।